पूरी मंडी में हड़ताल है, हमारी आलू हड़ताल है पूरी मंडी में, आज भी थप्पड़ आएगी हो इस कारण फैसला नहीं होने के कारण पूरी मार्केट बंद रहेगा, हमारी लेबर कोई गाड़ी नहीं भरेगी, हमारा फैसला नहीं होगा तब तक कोई गाड़ी नहीं भरेगा। जो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? इसके राम जी के आदमी गया, इसको बोल दो राम जी को 10 लाखों के आदमी को घर चली नहीं गई, बताओ था मैंने इलाज करा तो बच्चा बच्ची तो है नहीं यार, मैंने चोरा चोरी माँ बाप है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोरचना में एक लोडिंग मजदूर के गंभीर घायल होने के बाद 10 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग मार्बल गोदाम पर धरने पर बैठे हैं। मार्बल एसोसिएशन, गैंगसा एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ ही मार्बल फैक्ट्री के मालिकों द्वारा समझाइश के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर परिणाम नहीं पहुंचा है। ऐसे में सभी लोडिंग मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और सुबह से ही कोई भी मार्बल मंडी में इसका लदान नहीं कर रहे हैं और कार्य का बहिष्कार करते हुए सभी लोडिंग मजदूर आज मोरचना में एकत्रित हो गए हैं और वहाँ पर मार्बल गोदाम मालिक व मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे और न ही अपने काम पर लौटेंगे। अब ये विवाद जो है इसमें मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिला मुख्यालय के पास बागरोला गांव है जहां पर लक्ष्मण गाडरी जो नामक एक मजदूर थे जो वहाँ पर चेतक मार्बल से ट्रक लोडिंग करके आशा मार्बल पर गए और इसी दौरान वहाँ ट्रक के अंदर पीछे की तरफ जो सपोर्ट होता है वह खुलने की वजह से उन पाठियों के बीच में आने से वह गंभीर घायल हो गया। उसके बाद तत्काल तौर पर अन्य श्रमिकों ने उसे ट्रक में फंसे पत्थरों के बीच उन पाठियों के बीच उनको हटाकर निकाला तो उसके बाद उसका एक हाथ कट गया है तो दूसरी तरफ उसके पेट में भी गंभीर चोट लगी है। तत्काल उसे राजसमंद के एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया जहां से फिर आर के जिला चिकित्सालय रेफर किया और वहां से उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि यह घटना 13 जून की है और उसके बाद वह तब से उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल घायल का उपचार जारी है लेकिन हालात उसकी नाजुक बनी हुई हैं। परिवार के घरगुजारे को संकट खड़े हो गए हैं क्योंकि वैसे उस गंभीर हालत को देखते हुए वापस वह काम नहीं कर पाएगा और इसी हालात को देखते हुए अन्य लेबर जो लोडिंग लेबर हैं उन्होंने भी यह आर्थिक सहायता की मांग को लेकर वे उस गोदाम पर पहुंच गए हैं और वहां पर पिछले 2 दिन से वार्ता का दौर चल रहा है लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मेरा नाम डालचंद है, ये बागपुरा के लक्ष्मण लाल जी है जो ये लेबर में गाड़ी भरे, इन्हें लेबर वालों के साथ में ये चेतक मार्बल वालों ने गाड़ी मंगवाई यहाँ से, फिर यहाँ से इन्होंने कुछ माल भरा और आशा मार्बल में भेजा। पास थप्पी भरी थी और पीछे कुछ पार्टे खुले थे तो फिर वो पीछे वो थप्पी को रोक के रखने के लिए वो पीछे खड़े थे सपोर्ट लगा के थोड़ा बहुत, फिर गाड़ी वो उस फैक्ट्री से बाहर निकली और थोड़ा सा कहीं जंप आया कुछ हुआ ऐसा तो फिर वो सपोर्ट खिसकने की वजह से वो आदमी नीचे आ गए लक्ष्मण लाल जी। तो फिर क्या है, उनके हाथ कट गया, दोनों हाथों में लगे, एक हाथ तो टूट गया पूरा और एक हाथ में ये भी फ्रैक्चर दिख नहीं रहा है लेकिन वो भी उसका हो गया, बांका हो गया पूरा और पेट में लगने से उसमें जो वो उसके आँत है जो टूट गई पूरी, तो अभी वो उदयपुर एडमिट है आईसीयू में। घटनाक्रम कब का है ये? सर 13 तारीख का है लगभग। ये सबसे पहले ये अपने अशोक 50 फीट रोड पे लेके गए थे और वहाँ से फिर वो उस दिन तो कुछ इसका ये सीटी स्कैन स्कैन किया था उसमें कुछ पेट में तो कुछ आया नहीं था, हाथ का ही लग रहा था तो फिर हाथ का यहाँ बट्टा वट्टा बंधा, फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसके बाद में फिर वापस यहाँ आर के में लेके गए थे, वहाँ उसमें सीटी स्कैन किया था तो उसमें क्या उस हाथ में वो कुछ दिख रहा था तो फिर वापस डॉक्टर साहब ने यहाँ वापस चेक करवाया था
तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो हाथ टूट गई तो इसको तो वहाँ आगे ले जाना पड़ेगा, तो फिर उदयपुर लेके गए थे। अब आप लोगों की क्या, ये क्या वार्ता चल रही है और मांग क्या है? अब हमारी मांग एक भाई, ये आदमी बिल्कुल ही अब काम करने योग्य नहीं रहा है, अभी बचे या ना बचे, तो हमारी ये भी डिमांड है कि भाई हम उसका जितना भी हो उसके ये सहायता की जाए। ये गैंग्स एसोसिएशन और ट्रेड ऑपरेटर सब मिल करके जितने भी ये लोग हैं साथ में मिल के इसकी सहायता करें। अब इसमें इस संबंध में कोई पुलिस में या आपने कहीं कोई मामला कोई? अभी तो पुलिस में तो हम तो परिवार वाले सब तो उसके हॉस्पिटल में लगे हुए थे, तो अब न तो कोई FIR दर्ज करवा सके ना पुलिस से कोई बात कर सके, इसलिए क्या है अभी हम यहाँ आए थे इनसे मिलने के लिए, तो अभी सुबह से हम यही बात कर रहे हैं। 2-3 साल बेड रेस्ट रहेगा अगर बच गया तो, लेकिन हमने 10 लाख की मांग की थी पहले। वे जायज़ मांग है या कोई ज़्यादा मांग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मांग है। अभी बात चल रही है अंदर, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं हमारे एसोसिएशन में कोई नियम नहीं है ये पैसे देने के, हम तो नहीं दे सकते। एसोसिएशन वाले मना कर रहे हैं भाई हमारे एसोसिएशन में नियम नहीं है कि हम इनको पैसे दे सकते ऐसे। मार्बल गैंग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा के अलावा विभिन्न प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी, लेबर से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में भी लंबी वार्ता चली। कल दिन भर इसको लेकर चर्चा चलती रही, वार्ता चलती रही, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। श्रमिक अब भी 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मार्बल गैंग्स एसोसिएशन द्वारा इतना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये जो घटना हुई है वह मार्बल गोदाम से निकलने के बाद उस ट्रक के अंदर हुई है, जहाँ पर जो मार्बल पत्थर का सपोर्ट खुलने की वजह से दोनों तरफ से जो मार्बल के टाइल्स हैं उसके बीच में आने की वजह से श्रमिक बागडोला निवासी लक्ष्मण गाडरी घायल हो गए हैं। फिलहाल वो उदयपुर अस्पताल में हैं और मौके पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। शुक्रवार शाम देर रात तक वहां पर बड़ी तादाद में लोग मोर्चना में एकत्रित हुए, जहाँ पर मार्बल गोदाम के बाहर नारेबाजी की और मार्बल गोदाम प्रबंधन के साथ ही मार्बल गैंग्स एसोसिएशन के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने नारेबाजी की और उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे हड़ताल पर उतरेंगे। और उसी के तहत आज शनिवार सुबह से ही सभी मार्बल लदान जो लोडिंग श्रमिक हैं वे आज हड़ताल पर हैं और सभी श्रमिक आज मोर्चना में उसी गोदाम पर फिर एकत्रित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब श्रमिकों की वहाँ मार्बल गोदाम प्रबंधन से वार्ता चल रही है, अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, लेबर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ वार्ता का दौर जारी है। फिलहाल अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है कि इस कितने मुआवजे पर वार्ता होती हैं, किस पर सहमति बनती है, यह अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल जो घायल हैं लक्ष्मण गाडरी व उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, और जो राजसमंद केलवा और आसपास के जितने भी मार्बल क्षेत्र के जो लोग हैं लोडिंग करने वाले श्रमिक हैं वे सभी मोर्चना में एकत्रित हो गए हैं और उनकी ये मांग है कि वे 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उस पीड़ित परिवार को दिया जाए, तभी वे हड़ताल तोड़ेंगे और अपने काम पर लौटेंगे। अब आपको नाम बोलो। प्रकाश। आपने जो भाई हैं ओनर नाम बोलो तो पहले तो कहीं लक्ष्मण गाड़ी कितनी उम्र भी 40। अच्छा परिवार में अभी जैसे बना जो घायल हो गया तो मैं परिवार में कौन कौन सदस्य है कतरा है? परिवार में तो हम 3 भाई है, 4 बहनें हैं, मम्मी पापा है। बना जो परिवार है वे अलग रहे सब? हाँ अलग ही अलग है। अलग परिवार में कौन पत्नी बच्चा वगैरह? हाँ चेतक को गाड़ी ली गया चुनीलाल। क्या जैसे आप जब घटना हुई तब आप गाड़ी पे साथ थे? हाँ साथ। क्या हुआ? पाटिया ऊपर है सपोर्ट लगा हुआ, 2 सपोर्ट लगा हुआ, ऊपर आ गई गाड़ी। फिर आपने सूचना दी भाई जिसका माल था उनको कि भाई अस्पताल का घटना? सूचना दी नहीं उसी टाइम दी, वो थपिया खड़े करके वापस निकाला। नहीं वो आदमी आ गया ना सब? हाँ ये ले गए ना चेतक ले गए। हाँ ये चेतक वाले चेतक वाले। हाँ ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें कितनी गलती क्या है? एक तो पेट में लगी, एक हाथ इधर बाहर निकल गया। हाँ सीधे से सीधे से सीधे से। अरे मार्केट बंद है, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं और आपके बुजुर्गों को बुला के बैठ के बात कर रहे हैं।
श्रमिकों की मांग आपने देखी, मौके के हालात आपने देखे। फिलहाल यही हालात अभी भी शनिवार सुबह से मोरचना में मार्बल गोदाम के बाहर बने हुए हैं। अब समझाइश का दौर भी जारी है। अब ये समझाइश कहाँ तक पहुँचती हैं, क्या श्रमिक मानते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।